That it's all on good ground. Good evening to all who are here and who will join, जो मेरे को join करेंगे, उनका नमस्कार. मैं शिवम जी से request करूँगा कि वो check कर लें एक बार frame. Odd नहीं होना चाहिए, मतलब देख लीजिए आप. कहाँ तक है? एक कार्ड है. मेरा ख्याल इतना भी इतना आप देखिए आप ना डाक क्यों आता है उस पर क्लिक करिए हाँ एड्रेस ब्रेक नॉट जस्ट जो द लाइटिंग इस वर्ल्ड या स्ट्रेंज यू नो इट इस स्ट्रेंज टिक अपॉर्टी एंड एंड इफ यू पुश अप डार्कनेस गो राइट नाउ Form darkness that hinders, we are put in Jesus' name, confusion and misery. And I pray an excellent transmission. Bless the people of whom watch it and be help to them because God's word is help. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God. And we bless our lives in every way in Jesus' name. Amen. देखिए जिंदगी में जो भी होता है कम से कम टू वे ट्रैफिक होता है वो जो है किस तरह टू वे ट्रैफिक होता है नाजिमा तुम्हारा नाम क्या है दो नाम है अभी मैंने नाजिमा को कुछ पूछा तो नाजिमा ने मेरे को जवाब दिया है कि नहीं तो इधर से कुछ गया उधर से कुछ आया जिंदगी ऐसी है अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है तो पकाऊ लोग कौन होते हैं बड़े सिंपल है वो वन वे ट्रैफिक होते हैं पकाव लोग जो होते हैं जो जिनके साथ इंटरेस्टिंग नहीं होता जो बोर हो जाता है आदमी वो अपनी कहानी बोलते रहते हैं और हमारी कहानी नहीं सुनते सबको अपनी कहानी भी सुनाने का शौक होता है हमारे को जितने हम अपने कम्युनिकेशन के दायरे सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे को जिंदगी में आराम होगा कम्युनिकेशन के दायरे सिंप्लीफाई करना कम्युनिकेशन के दायरे आप कैसे सिंप्लीफाई करें तरह तरह की कम्युनिकेशन होती है बिजनेस क्या है कम्युनिकेशन है अगर मैं मच्छी की दुकान पे कपड़ा खरीदने जाऊंगा तो मिलेगा क्या अगर मैं मच्छी की दुकान पे कपड़ा खरीदने जाऊंगा तो नहीं मिलेगा वैसी दुनिया जो है ना गलत दरवाजे खटखटाती वो जल्दी में रहती है अरे शोक इधर ही रहता है इधर ही रहता है अरे यार दो मिनट पूछ लेते हैं ना इधर ही रहता है खोला उधर से एक लहराती हुई बेगम ने की दे पीपल डू नॉट वांट टू डू द ग्राउंड वर्क है कि नहीं जैसे मैं उल्लास नगर गया था तो मुझे बड़ा मजा आया फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आई जहन में आई कि मैं उल्लास नगर की थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करूं बड़ी इंटरेस्टिंग थी तो जब आज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है इंडिया में तो पटाखे सुनते रहेंगे एंजॉय देम गॉड ब्लेस तो क्या बोल रहा उल्लासनगर हाँ उल्लासनगर तो वो बड़े जब मैंने उनकी हिस्ट्री उनका ईयर बताया एस्टैब्लिशमेंट का तो बड़े खुश हुए तो
क्या लगा ये आदमी हमारे बारे में पता करके आया है, अच्छा अच्छी बात है। टू फाइंड आउट समथिंग बिफोर यू डू हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि मेरा काम ट्रैवलिंग का है तो मैं बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ मेरा एक हफ्ते का एक रिलेशनशिप बन जाता है। दो तरह के ड्राइवर होते हैं, सर फिक्र ना करो हमें सब पता है, डेंजरस। दूसरा ड्राइवर होता है जिसको मैं बोलता हूं यार अगर जहां जहां भी कंफ्यूजन हो वहां पूछ लेना। कुछ ड्राइवर्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि हमारी इज्जत कम हो जाए और उनकी वजह से मैं ढाई ढाई घंटे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में घूम होके करे पास्टर कहा दुआएं चल रही है कि पास्टर आ जाए। आपने भी सफर किया होगा जो लोग ट्रैवल करते हैं। टू आस्क इज नॉट टू बिकम लेस, बोलिए टू आस्क इज नॉट टू बिकम लेस। पूछने से आदमी छोटा नहीं होता, आदमी छोटा नहीं होता। आप छोटे होते हैं पूछने से, तो प्रभु से पूछना मत कीजिए, मांगना मत कीजिए। प्रभु से हम क्या करते हैं, मांगते हैं, पूछते हैं। वी इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, वी इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि इंक्वायरी में कोई घटी नहीं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो बच्चा बहुत क्वेश्चंस पूछता है, अगर आप उसकी वो क्वेस्ट खत्म कर देंगे तो उसके आप स्पिरिट को मार देंगे। वो पूछता बार बार पूछता, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसकी नाक कैसी क्यों है, भाई वे भी पूछ लेते हैं, एम्बैरेस भी कर देते हैं लोग, उसका टेढ़ा क्या है, ऐसे मतलब कुछ भी पूछते हो घुमा दीजिए। तो पूछना बड़ी अच्छी चीज है। इसमें मैं इतना तवज्जो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं यंग पीपल दे डोंट आस्क एंड मेक मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए मैथ्यू 7:7-11 कौन पढ़ेगा? थोड़ा ऊंचा क्लियर आवाज। मत्ती की पुस्तक 7:11 आते हैं, जो सब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु। 7:11 मैथ्यू 7 की पुस्तक 7:11 जो सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इंग्लिश की बाइबल है किसी के पास? Ask and it will be given to you। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मांगो तो कुछ वर्ष आप गलत पढ़ोगे। मांगो तो दिया जाएगा ना। पूछो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या प्रभु को मालूम नहीं आपको क्या चाहिए? होता पूछ सीखेगा तू, पूछने से आदमी सीखता है। Seek and you will find. You know, remember this always. God has a part to play and you have a part to play. Without you playing your part, things will not come to a completion. God has a part to play, you have a part to play. For everyone who asks
receives. जो पूछेगा वो receive होगा. And he who seeks finds. Seeking is not easy. मैं इधर एक छुपा देता हूँ कुछ. आपको आज तो नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि मैं इस ऑफिस को जानता हूँ. अगर मैं यहाँ कुछ छुपा दूँ या अपने घर में कुछ छुपा दें, बड़ा मुश्किल है कि आपको मिल जाए. So you just seek before you open your mouth and go blah 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 blah. Seeking takes effort. Seeking takes dedication. Seeking के लिए आपको एक दिल चाहिए. Seek the things in your life, things of God, things of Jesus, the Word of God. Seek. You have to seek the Word of God. जैसे आपको कोई नौकरी चाहिए होती है तो आप उसकी रिसर्च करते हैं, आप पता करते हैं सबसे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, आप सीक करते हैं. आपको किसी से विवाह करना है तो आप उसको सीक करते हैं. तो उससे कितना ज्यादा हमारे को प्रभु का वचन और प्रभु को सीक करना है. और फिर मिलता है. सीक एंड यू शैल फाइंड. अभी सीकिंग के लेवल होते हैं. अभी किसी को मैं कोई काम दे दूं तो दुकान पे गया, नहीं मिला पास्टर. पर वही काम मैं अगर किसी और को दे दूं, सपोजिंग मिस्टर नायर को दे दूं, तो पता चला मिस्टर नायर पुणे में ढूंढ रहे हैं चीज जो पास्टर वहां लेके ही आए. जितना पॉसिबिलिटी है लेके नहीं, और 15 मिनट्स सीकिंग के लेवल्स होते. जितना आप किसी को प्यार करते हैं, प्लीज करना चाहते हैं, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये हमारी किताब है. आई लाइक स्टेशनरी. तो स्वागत है आपका. अंकुश मसीह जी, परोल जी, अंकुश मसीह जी, अंकुश मसीह, परोल जी, धर्मवीर जी, अरे धर्मवीर जी, पास्टर साहब वेलकम, चावला जोशी जी, दीपक खन्ना जी, अरे वाह मेरे यार, नाइस टू सी यू बड़ी, राइट अ कमेंट, लव यू, इकोनो जी, अमरजीत सिंह जी, दीपिका गोंडवाल जी, अंकुश मसीह जी, धर्मेंद्र जी, आप डबल धर्मेंद्र है, क्या बात है, अमरजीत सिंह जी, परोल जी, निहारिका जी, दीपिका जी, सुरेश जी, डेजी विलियम जी, संजय सैम्यूल जी, हनु भट्टी जी, धर्मेंद्र जी, विद्या जी और बहुत सारे, आप सबका स्वागत है. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. काम हमारा, seeking हमारा काम है, asking हमारा काम है, knocking हमारा काम है. Don't give up. There is always a better way. There is always a better way. एक बहुत पुरानी फिल्म में कल लगी हुई तो देख रहा था, उसमें एक साइकिल वाला, भोजपुरी फिल्म थी, एक हीरो टाइप साइकिल वाला आता है और उनका झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो रास्ता नहीं दे रहा होता. तो उसका जो ड्राइवर हीरोइन बैठी हुई थी कार में, तो बोलता तू रास्ता क्यों नहीं दे रहा. कहता मैं रास्ता तब दूंगा जब मुझे मिलेगा. कहता हमारे को वहां पे एक टेम्पल में पहुंचने का. कहता मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मैं आपसे जल्दी पहुंच सकता हूँ. तो हंसता है कि हाउ कैन अ साइकिल वाला रीच अ सर्टेन प्लेस फास्टर देन अ कार. दे स्टार्ट टू रेस, कार आगे निकल जाती है, पर फिर वो एक कट मारता है, उसको शॉर्टकट मालूम है, पहुंच जाता है. देर आर वेज. हर जगह शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए, लेकिन जहां सही काम के लिए जरूर मारिए. ये ऐसी फ्रेमिंग किया था यहां पे स्पेशल. नायक साहब अब जरूर चेक करा. It changes.
Matthew 21, 22. And all the, these things you ask in prayer, believing you will receive. Believing that you will be a millionaire from the word of God. Not shy to put the word of God on Facebook. Not just plain saying. Sometimes word of God, sometimes plain saying. Better you proclaim your faith. Generalize to something. But dene wala to Yesu hi hai na. He is not general. He is king. Or believing ke baad kaam shuru hota hai. Believing ke baad kaam shuru hota hai. Tab paseene chutte hain. Lekin wo paseene mein bhi maza hai. Tab joote ghiste hain. Tab rang jo hai suraj mein गहरा होता है. यहां पता चलता है कि आदमी में कितना दम, जब वो बिलीव करता है. बिलीव करता है कि मैं स्पोर्ट्समैन बन सकता हूं, बिलीव करता है वो फिल्म मेकर बन सकता हूं, बिलीव करता है मैं सिंगर बन सकता हूं, बिलीव करता है मैं ओपेरा गा सकता हूं, बिलीव करता है कि मैं राइटर बन सकता हूं, बिलीव करता हूं. कितना आसान है बिलीव करना. आप ठीक लिखते होंगे पर आपसे बहुत अच्छा अच्छा लोग लिखते हैं. आप अच्छा गाते होंगे, आपसे बहुत अच्छा गाना. आप अच्छे प्रीचर होंगे, आपसे बहुत अच्छे प्रीचर होंगे. जो आदमी फेथ के साथ काम को जोड़ता है वो आदमी बहुत आगे जाता है. फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. God will do it, no? तो मेरे को कई बार एग्जाम्पल देता हूँ. अच्छा जी वो काम हो गया, ये काम हो गया. पास्टर जी आप फिक्र मत करें, God will do it ना. मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, God will do it. I have to go, no? You have to do complete the work, no? मेरे आने से पहले कितना काम होता है. वो मैंने फोटो डाली थी, कितना सामान बच्चे उठाते हैं उतारते हैं. आसान नहीं होता, it's not easy. एक दिन उठा के देखिए खुद, अगर आपको शौक है. वेरी हैवी, वेरी ऑकवर्ड. Joshua 4:4 and 20 and 22. Those 12 stones which they have taken from the Jordan, Joshua set up at Gilgal. Then you shall inform your children, saying, Israel crossed this Jordan on dry ground. अच्छी चीजों का की याददाश्त जरूर बनाइए. अच्छी चीजों की याददाश्त जरूर बनाइए. अगर आपके पेरेंट्स में कोई गुण है, अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को जरूर बताइए उनके जाने के बाद. ये किस चीज का मॉन्यूमेंट बना रहा है यहां, ये गया हुआ किस चीज का मॉन्यूमेंट बना रहा है. जब मूसा वो लाखों लोगों को लेके जा रहा था और पीछे फौज थी फैरो की, और मौत जो थी वो बिल्कुल सामने थी, पीछे थी, क्योंकि सामने समुंदर आ गया. सामने समुंदर आ गया, कहां जाए. और प्रभु ने समुंदर खोल दिया और हवा चलाई और उसमें से पूरा इसराइल निकल गया. ये बातें याद करने वाली होती है, ये बातें याद करने वाली होती हैं. आपके आगे समुंदर तो नहीं कोई आया, लेकिन जो तकलीफें आती हैं, जो दरवाजे बंद होते हैं, तो ये याद रखिए कि प्रभु समुंदर को भी खोल सकता है. लेकिन यू हैव टू प्रेस ऑन. ये जो आप फुटबॉल को देखता है, फुटबॉल
ये जो बेंड इट लाइक बैक बेकहम है, जो बॉल को वो बेंड कर देता है ऐसे मैजिकली, वो कोई पैदा नहीं हुआ था मारता हुआ फुटबॉल को ऐसे, उसमें टैलेंट था कि वो ज्यादा कर सकता हुआ दूसरों बच्चों से। लेकिन आई थिंक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ किक उसने मारी तो फिर वो उसमें फिल्म बनी बेंड इट लाइक बेकहम। बहुत रेपिटेशन में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बुरा लगता है। टाइसन ने बोला मैं कूदता हर बार सितारों को पकड़ने के लिए, मैं कूदता हूं हर बार सितारों को पकड़ने के लिए, सितारे ना भी मिले थोड़ा आसमान तो हाथ में आता है। मैंने उसका शेर बना दिया, मैंने टाइसन से तो इफ यू विल गो फॉर बिगर थिंग्स एटलीस्ट यू ग्रैब थिंग्स व्हिच आर यू सीक ऑन द ग्राउंड ओनली, यू नो सीक गॉड, ग्रैब सम, ग्रैब सम स्काई, एटलीस्ट वन डे यू विल कैच अ स्टार। Vision is this easy part. After the vision is the hard part. That's why you run, Moni, you have to run. Na joke nahi maar raha main. God plays his part. We play our part. Judge the importance of things. जब कोई बात होती है ऐसी उसका आप इंपॉर्टेंस देखिए। कल कोई मेरे को कुछ बोल रहा था, आप आज से कल करते हैं, मैंने कल क्या करते हैं, मैंने कहा फोन उठा के उसी टाइम कर दिया, क्या था वो? हाँ, somebody was trying to hack my account. बहुत बार होता है। I have only one account, brothers and sisters. If you get a friend request, I don't send friend requests. And I love getting. क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेरा एक ही अकाउंट है और दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। आप अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आती है वो मेरी मेरी नहीं है, किसी फ्रॉड आदमी है। तो किसी ने मुझे बोला आप आज तो अभी बिजी लग रहे हो तो शाम को कर लेंगे। मैंने कहा शाम तक हैक नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा अभी करो ना, नहीं आप बिजी हैं। मैंने कहा बिजी ऐसी तैसी में क्या है, हैक यहाँ कितना टाइम लगा पासवर्ड चेंज करने में? 1.5 मिनट। एक बार मुझे रात को फोन आया, यूपी से हमारे मित्र हैं, उनका फोन नहीं आया, एक हमारे दूसरे मित्र हैं, उनका फोन आया कि छाती में दर्द हो रहा है। हाँ उन्हीं का आया, हमारे मित्र का फोन आया, सीने में दर्द हो रहा था। और यूपी में कुछ शहरों में वहां हर चीज कल होती है। अरे अम्मा चाय पियो ना, कल दे गंगा राम का समोसे मंगवाते हैं चाय के, सब चीज कल होती है ना यूपी। अरे बैठो ना यार। तो फोन आया, सीने में दर्द हो रही है, तो मैंने उनको बोला अभी हॉस्पिटल जाओ। उनके आंसर से मुझे ये यस पास्टर, यस पास्टर, both are no pastor, no pastor. मतलब probably the answer I knew it was a no pastor. मतलब इतने में फोन सुनता है मेरे मालूम पड़ जाता है what you are meaning. Yes, pastor, no pastor, no pastor. कल तक अभी क्या, अभी 3 बज गए हैं कल तक। मैंने दूसरे मेरे मित्र हैं उनको फोन किया, वो यंग है, ये थे इन मिड 60s। मैंने कहा गाड़ी उठा और उनको हॉस्पिटल लेके जा, इधर मॉर्निंग है मेरे को। मैंने कहा मैं पागल हूँ, 3 बजे उठा रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, यूपी में घुमा रहा हूँ मैं,
उसको भगाया मैंने. I had ordained him pastor. When he reached the hospital, he had already had two heart attacks. He was having the third one. If he had not gone, story was over. He's still alive. I think he might be watching me. I won't take your name. तो अभी कोई मुझे बोलेगा चल यार पिक्चर देखने चलते हैं, कल देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. Recognize people, recognize important things, prioritize things, see what has to be done now, what can be done later. कार ठीक करा ले, कल करा ले, कोई बात नहीं. कार को हार्ट अटैक नहीं होगा. आज मुझे फोन आया, आज प्रेयर करो, प्रेयर करो, पास ही प्रेयर करो. मेरा कौन बोल रहा हूँ? तेरा तो मुझे बोल रहा है. मैं कहा मेरा नंबर कैसे मिला? अरे ढूंढ लेते, ढूंढ लेते, ढूंढ लेते. फिर मैं एग्जैक्टली सीट ऑन. मैंने कहा क्या हुआ, कैसे याद किया? ये आप आए थे पिछली बार, मेरी डायबिटीज हो गई, आपको पता ही नहीं. मैंने कहा तुम बताओगे तो पता लगेगा ना भाई. दे थिंक दैट आई ऑटोमेटिकली हैव सम काइंड ऑफ like this miracle has happened, I've got some kind of okay, that guy got healed, that guy. मेरे पास ऐसा antenna नहीं है. So I was so glad. तुमने प्रार्थना करती फिर जल्दी से. So how I get after 6 months, 1 year, these good news. But this happened because I went there and did something. समझे ना? ये कौन है? कॉलोशियंस 4:6 पढ़े हैं, किसी को पढ़ना पड़ेगा. जो तुम पढ़ोगे तुमने निकाल लिया. तुम्हारा ही महक शाही चौला जोशी जी, धर्मेंद्र काका जी. अरे परुल तेरे को क्या हुआ? कौन सा स्माइली है? गुस्से का स्माइली है परुल. हाँ जी पढ़िए. कुलूसियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी छठवीं आयत. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. हर आदमी से वैसे ही सेम बात नहीं करी जाती. ये आदमी को ध्यान रखना चाहिए. हर आदमी से एक तरीके से बात नहीं करी जाती. मैं पास्टर हूं तो मैं आपको डांट दूं, लेकिन कल कोई सड़क पे जा रहा है उसको डांट दूं कि कौन तो मामा लगता है कि नहीं? उसको मैं बात अलग तरीके से बोलूंगा. नितिका को बोलूंगा क्यों नहीं हुआ काम, अभी कर देना चाहिए. तो नितिका थोड़ा डर जाएगी, वो जल्दी जाके करेगी, है ना? तो वो आजकल वो चलते रहते हैं सीरियल, वो ही मनाते हैं वो लोग ज्यादा. घर घर पहुंच गए क्या? आज नहाए क्या? वो पूछते रैंडम आदमी हो जाते हुए, नहाए हो क्या आज? झगड़े होते हैं वहां पर, मिलियन व्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कैसे आपने समझ नहीं आते. सो द होली स्पिरिट डिसर्नमेंट हाउ यू स्पीक टू अ पर्सन, स्पेशली पीपल इन पावर. आपके बड़े बड़े काम, क्योंकि वो आदमी को जजमेंट है आपके, उसके बाद बहुत लोग आते हैं काम मांगते. आप किस तरह से काम मांगते हैं, आप किस तरह से उसे अप्रोच करते हैं, आप में कितनी मैच्योरिटी है, उसको सबकॉन्शियसली समझ आता है. आप सब लोग से ऐसी बात करोगे ऐसे नहीं होगा. थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, होली स्पिरिट लेट बात करना चाहिए, और आप देखेंगे दरवाजे खुल जाएंगे. Matthew 21:24. मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 24वीं आयत. यीशु ने उनको उत्तर दिया,
कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। प्रभु को किसी ने क्वेश्चन किया, प्रभु ने क्वेश्चन का क्वेश्चन से आंसर किया। मैं बोलता हूँ ना जनरली, यू डोंट हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन। तो उसने कहा मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तू अगर उसका आंसर देगा तो मैं तेरे को आंसर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपना वर्थ प्रूव नहीं करना है हर जगह। आप कौन है, आप कितने बड़े हैं, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु प्रूव करता है। अंकुश, अंकुश मसीह जी, रिजवानी हरीश जी, अरुल जी, मोनिका वाघ जी, सोफिया खान जी, मनोज गुप्ता जी, मैक्स प्रिंस जी, महक साही जी, ये कौन है महक, चावला जोशी जी, सबका स्वागत है। अभी पढ़ते हैं हम जेरेमिया 33:3। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 3री आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। There's a time when God will reveal to you bigger things. When you will understand them, जब आप उसको समझेंगे तभी तो रिवील करेगा। है कि नहीं? God reveals according to your capacity. And if you put your vision into action and work hard, He increases your capacity. And then He shows you great and hidden things, world changing things, earth shattering things. Then He shows you. The last scripture for today, कितना मुश्किल था ऐसे फ्रेम करना, ये मच बेटर फ्रेमिंग। मेरी शक्ल पहली बार दिख रही थी, पूछ लिया करो। मैंने पूछता तो शिव जी से आप भी पूछ सकती, आस्किंग इज अलाउड। अभी जानते हैं आपको, ये भी जानते हैं। तो जी Matthew 18:19, बड़ी important verse है। मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है और उनके लिए हो जाएगी। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कोई भी काम करें ना, अगर आपको पता है कि ये काम मेरे को करना है और ये काम मेरे लिए सही है, तो उस आदमी को अपने साथ कभी ना जोड़े जो आपको डाउट करता है, जो आपसे 100% अग्री नहीं करता, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कुछ भी हो। ये बहुत लोग बिजनेस में गलती करते हैं, सामने आके हाँ बोलता है, पीछे जाके बोलता है मेरे को इससे अच्छा पता है, इसको कुछ नहीं पता। तो जो टॉप का आदमी उसकी तो इज्जत खलास हो गई ना, वो तो गया, मेरे को मैं ही सब बताता हूँ, इसको मैं ही सब करता हूँ, वो तो सिर्फ स्पोक पर्सन है, करता वही है जो बेचारा कर रहा है, लेकिन वो अग्रीमेंट में नहीं आता। कोई भी काम अकेले भले ही कर ले, लेकिन आपके साथ 100% अग्रीमेंट में, अगर मेरे साथ जो स्टेज पे टीम है वो 100% मेरे साथ अग्रीमेंट में नहीं है तो मैं नीचे उतार दूंगा। हीलिंग टीम 100% मेरे साथ अग्रीमेंट में नहीं है, मैं बोलूंगा आज मत करो, एंजॉय द क्रूसिंग। यू नो, पकड़ने वाले 100% अग्रीमेंट में नहीं है,
इतनी बार मैंने बोला है कि आप मत गाइए, मुझे पता चल जाता है कि मैं गा रहे हैं क्या, वो मेरे साथ अग्रीमेंट में है कि नहीं। और बड़े बड़े होते हैं कभी कभी सोचते हैं हम नहीं गाएंगे तो कैसे होएगा, फिर और मिरेकल होते हैं तो समझ आ जाती है बात। मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ मिरेकल, भाई और इतना हल्का गाता हूँ, चुप कर जाता हूँ, बैठ जाता हूँ स्टेज पे, वो तीन मिनटों में क्या मिरेकल होते हैं। To hear the voice of the Lord and give him preeminence above all will get your work done. And अगर आपके साथ आपकी टीम, मैं धोखा खाया हुआ आदमी हूँ, सबको खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए, उससे सीखता है आदमी। कभी मत भूलिए आपके आसपास कौन है, और जो आपके आसपास है अगर आपके उस काम में साथ दे रहा है जिस जो आपका पैशन है, see to it that he agrees 100%. God bless you. जल्दी जल्दी में टीम मत बनाइए कभी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, प्रभु की रोशनी आप पे रहे। ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन, सीजन की ग्रीटिंग्स आपको देता हूं, नमस्कार करता हूं और बाय बाय करता हूं। बाय बाय।